नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर के जीवन में फिर से प्राची की वापसी आती हुई नजर आने वाली है, और प्राची के साथ साथ में आप लोग देख पाएंगे कि उसकी नई मैनेजर काया का भी एक बहुत अलग एटीट्यूड देखने को मिलेगा। रणबीर बोलता हुआ नजर आएगा कि पहले से लोग कम थे मेरी लाइफ में जो इस लड़की को और भेज दिया है, यानी कि काया के लिए वो बोलता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि काया का जो एटीट्यूड है वो रणबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि रणबीर आप लोग जानते हैं कि कितना सहनशील लड़का है, लेकिन उसके साथ में जो ये सब कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी नज़र आने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय वो अपनी होने वाली मैनेजर से बहुत ज़्यादा दुखी भी है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीका की मेरी कोई मैनेजर आएगी और इस तरीका का उसका एटीट्यूड होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इधर रणबीर कोहली भी कम नहीं है, वो भी अपने आपे में एक सीनियर मान लीजिए या बॉस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि उसके भी एक अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है, और वो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से रणबीर बैक टू बैक फायर करता हुआ नजर आने वाला है, वो भी काया मैनेजर के ऊपर बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और मैं तुम्हारा एटीट्यूड किस बेसिस पे झेलूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर किसी भी तरीका से इस समय काया से हारने वाला नहीं है, और रणबीर बोलता हुआ भी नजर आने वाला है कि चाहे तुम कोशिश कितनी कर लो, तुम्हारी जितनी कितनी आई कितनी गई। और वाकई दोस्तों इस समय रणबीर उससे इरिटेट हो चुका है। रणबीर ने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे ज़्यादा इरिटेट मत करो काया, तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो सकती है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर इस समय बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आने वाला है, और सेकेंडली चीज़ उसे जल्दी ही पता लगने जा रहा है कि मेरी प्राची जिंदा है, यानी मेरी प्राची को कुछ नहीं हुआ है। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं।